वेलकम टू सोशल। थ्रिलर्स हमेशा से ही एक बहुत ही सक्सेसफुल जॉनरा रहा है। एज ऑडियंस वी लव टू वॉच स्मार्ट थ्रिलर्स जो अपने ट्विस्ट्स एंड टर्न्स से हमारे इंटेलिजेंस को क्वेश्चन करे। इसी वजह से फिल्म्स लाइक अ वेडनेसडे, कहानी और अंधाधुन ऑडियंस को बहुत पसंद आई है। हाउएवर कुछ ऐसी थ्रिलर फिल्म्स भी हैं विच आर इक्वली गुड विद देयर ट्विस्ट्स बट दे डोंट गेट द क्रेडिट दे डिजर्व। इस वीडियो में हम भी ऐसी ही 10 माइंड ब्लोइंग थ्रिलर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं विच लेफ्ट अस शॉक्ड विद देयर ट्विस्ट्स। दिस इज अ वेरी स्पेशल लिस्ट जहां पर टीम सोशल हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए कुछ यूनिक फिल्म्स की रिकमेंडेशंस लाई हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। क्या हुआ यहाँ? इस घर के मालिक ठाकुर रघुवीर सिंह जी, उनकी डेथ हो गई। आप सबको हम एक बात बता देते हैं, यहाँ जो कांड हुआ है ना, हम करेंगे उसकी जाँच। नंबर 10, रोशैक। अ गुड थ्रिलर कीप्स यू ऑन द एज ऑफ योर सीट। 2022 में आई मलयालम थ्रिलर रोशैक डज जस्ट दैट। सुपरस्टार मनमोथी की ये फिल्म एक रिवेंज थ्रिलर थी जहां हम ल्यूक नाम के एक कैरेक्टर की कहानी देखते हैं। वी सी इन द फिल्म कि वो अपनी वाइफ की डेथ का रिवेंज लेना चाहता है। इट्स अ फिल्म दैट विल चैलेंज द व्यूअर्स ऑन अ साइकोलॉजिकल लेवल जो इंडियन सिनेमा में काफी रेयरली देखने को मिलता है। मैं जानता हूँ तुम यहीं पर हो, सामने तो हो, तुम्हें देखना है मुझे एक बार। नंबर 9, तीन। तीन एक बहुत ही अंडररेटेड थ्रिलर है जिसे बहुत ही कम लोगों ने देखा है। दिस फिल्म वॉज सेट इन कोलकाता जहां मेकर्स ने इस तरह का नैरेटिव प्रेजेंट किया था जो ऑडियंस को हमेशा से एक गेसिंग मोड पर रखता है और एंड में अपने ट्विस्ट से सरप्राइज कर देता है। इस लिस्ट में मेंशन बाकी थ्रिलर से ये फिल्म काफी यूनिक है क्योंकि इट्स अ स्लो बर्न फिल्म जो आपको स्टार्टिंग में शायद थोड़ी स्लो लग सकती है बट व्हेन इट पिक्स अप द पेस देन इट ट्रूली लीव्स यू शॉक्ड। मुझे उस आदमी को ढूंढना है जिसने हमसे एंजेला को छीना, एंड आई प्रॉमिस यू मैं उसको ढूंढ के लाऊंगा। नंबर 8, रात अकेली है। 2020 में रिलीज हुई फिल्म रात अकेली है एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर फिल्म थी। हम फिल्म में एक पुलिस ऑफिसर की स्टोरी देखते हैं हु हैज टू सॉल्व अ मर्डर मिस्ट्री। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस फिल्म इज कि इसके हर एक कैरेक्टर को काफी डिटेलिंग के साथ लिखा गया है विच मेक्स यू सस्पेक्ट ईच ऑफ देम एज अ मर्डरर। इट इज अनफॉर्चुनेट कि इस फिल्म की आज मेनस्ट्रीम मीडिया में उतनी बात नहीं की जाती है। इफ यू हैव लाइक्ड हॉलीवुड फिल्म्स सच एज नाइव्स आउट देन दिस फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर यू। चाहे मर्जी से आप छुट्टी पे जाइए, नहीं तो हमसे गई हम कर देते हैं आपको सस्पेंड। इतना आसानी से नहीं जाएंगे हम डरते नहीं किसी से। नंबर 7, मोनिका ओ माई डार्लिंग। रिसेंटली रिलीज्ड फिल्म मोनिका ओ माई डार्लिंग एक बहुत ही एंटरटेनिंग थ्रिलर थी। हम फिल्म में जयंत नाम के एक कैरेक्टर की स्टोरी देखते हैं जिसकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाती है आफ्टर हैविंग एन अफेयर विद हिज सेक्रेटरी। इस फिल्म का सबसे स्पेशल एस्पेक्ट था इसका डिटेल स्क्रीन प्ले जहाँ पर फिल्म मेकर वसन बाला ने हिंदी सिनेमा के कई क्लासिक डायरेक्टर्स लाइक विजय आनंद, श्रीराम राघवन और अनुराग कश्यप को ट्रिब्यूट दिया था। अलॉन्ग विद दिस द स्क्रीन प्ले वॉज फिल्ड विद मेनी surprises which keeps the audience hooked till the end. अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप भी हमें बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। That bitch is blackmailing me also. तो आ क्या? Accounts department के साथ कौन affair करता है? Hey Jay, accounts को कम मत समझ। Number 6, See You Soon. मलयालम फिल्म सी यू सून एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल थ्रिलर है। द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड द कैरेक्टर ऑफ फहाद फासिल हु हैज टू फाइंड द फियांसे ऑफ हिज ब्रदर। राइटिंग के साथ साथ इसकी सिनेमाटोग्राफी और डायरेक्शन भी काफी अनकन्वेंशनल थी। अगर आपको होस्ट और सर्चिंग जैसी हॉलीवुड फिल्म्स पसंद आई हैं, देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस फिल्म। नंबर 5, दृश्यम 2। हु वुड हैव थॉट कि दृश्यम जैसी माइंड ब्लोइंग फिल्म का सीक्वल भी बन सकता है। इट वॉज अ वेरी परफेक्ट स्टोरी विद अ परफेक्ट एंडिंग। पर 2021 में जब फिल्म का सीक्वल रिलीज हुआ था तो इसे ऑडियंस ने बहुत पसंद किया था। द फिल्म स्टार्ट्स विद द केस गेटिंग रीओपन्ड और अब फिर से एक बार जॉर्ज को अपनी फैमिली को इनोसेंट प्रूव करना है। रिसेंटली ही फिल्म का हिंदी रीमेक भी रिलीज हुआ था एंड द ऑडियंस इज कॉलिंग इट अ परफेक्ट रीमेक। हाउएवर वी फील इट इज नो मैच टू मलयालम दृश्यम 2। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपको हिंदी वर्जन ज्यादा अच्छा लगा या मलयालम। नंबर 4, कापेला। कुछ थ्रिलर्स ऐसी होती हैं जो आपके सेंसेस को चैलेंज करती हैं।
एंड कैपिला इज वन सच ब्रिलियंट थ्रिलर। इट इज अ लव स्टोरी जो एक रॉन्ग फोन कॉल से शुरू होती है, पर फिल्म में कुछ ऐसा होता है दैट शॉक्स यू। वी कैन से विद फुल श्योरिटी कि ये इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रिलर्स में से एक है, जहां पर मेकर्स हमें एक ऐसा नैरेटिव दिखाते हैं जो हमने इससे पहले कभी नहीं देखा है। वी आर श्योर दैट इफ यू वॉच कैपिला यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड। नंबर थ्री, जॉनी गद्दार। जॉनी गद्दार एक आउटस्टैंडिंग थ्रिलर है। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको अपने अनयूजुअल नैरेटिव स्टाइल से बहुत इम्प्रेस करती है। अगर हम फिल्म के प्लॉट की बात करें तो वी सी अ स्टोरी ऑफ विक्रम जो कि एक स्मगलिंग गैंग में काम करता है। अपार्ट फ्रॉम इट्स आउटस्टैंडिंग स्क्रीन प्ले, जॉनी गद्दार का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका टाइट डायरेक्शन, जहां फिल्म मेकर श्रीराम राघवन ने इस फिल्म में कई तरह के फिल्म मेकिंग रूल्स को ब्रेक किया है। नंबर टू, तलाश। 2012 में रिलीज हुई फिल्म तलाश एक थ्रिलर फिल्म है जिसे फिल्म मेकर रीमा काकती ने डायरेक्ट किया था। फिल्म का नैरेटिव एक पुलिस ऑफिसर के अराउंड रिवॉल्व करता है, जहां पर हम उसे एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करते देखते हैं। एक ब्रिलियंट थ्रिलर होने के साथ साथ तलाश डिप्रेशन और रिमोर्स जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स को भी टच करती है। इट इज सैड दैट नोबडी टॉक्स अबाउट तलाश नाउअडेज। इट वॉज इंडीड अ मास्टर क्लास ऑन हाउ टू मेक पावरफुल थ्रिलर्स। पता नहीं क्या ढूंढ रहा हूँ, ऐसा लगता है सारे जवाब मेरे सामने हैं, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहे। नंबर वन, अगली। अनुराग कश्यप डायरेक्टेड फिल्म अगली एक अंडररेटेड थ्रिलर है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। फिल्म का नैरेटिव एक स्ट्रगलिंग एक्टर के अराउंड रिवॉल्व करता है जिसकी डॉटर किडनैप हो जाती है। ये एक न्यूआंस्ड फिल्म है जिसका हर एक कैरेक्टर बहुत ही ग्रे है। ये थ्रिलर बाकी थ्रिलर से बहुत अलग है क्योंकि फिल्म की शूटिंग करते वक्त खुद एक्टर्स को फिल्म की एंडिंग के बारे में नहीं बताया गया था। दिस मेक्स द एक्टिंग परफॉर्मेंसेस क्वाइट रियलिस्टिक एंड इसीलिए ये फिल्म एक कल्ट मानी जाती है। वी वुड हाईली रिकमेंड एवरी सिनेफाइल टू वॉच अगली। हेलो, तेरी बेटी मेरे पास है, तुझे जिंदा वापस चाहिए तो 20 लाख रुपए का इंतजाम करके रखना। 50 लाख। वीडियो खत्म होने से पहले आप भी हमें बताएं कि इन सारी थ्रिलर फिल्म्स में से आपकी टॉप 3 फिल्म्स कौन सी है। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।